हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पी चिदंबरम ने कहा, क्या मोदी समर्थक आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की रिपोर्ट के बाद भी नोटबंदी को सही ठहरा सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर गीता गोपीनाथ की रिपोर्ट को लेकर देश में एक बार फिर 2016 में हुई नोटबंदी पर बहस शुरू हो गई है। खुद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए मोदी समर्थकों से पूछा कि क्या मोदी समर्थक अर्थशास्त्री डॉक्टर गीता गोपीनाथ की रिपोर्ट के बाद भी नोटबंदी को सही ठहरा सकते हैं। उन्होंने नोटबंदी पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के साथ हुआ एक अपराध थी। आपको बता दें कि हाल ही में दुनिया के चार बड़े अर्थशास्त्रियों ने संयुक्त रूप से यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर में भारत में हुई नोटबंदी का जिक्र करते हुए नोटबंदी को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदायक माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 2% का नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही नोटबंदी के कारण रोजगार सृजन में भी 3% की कमी आई है। कंप्यूटर जासूसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वकील ने कहा, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप करवाना चाहते हैं मोदी, यह अघोषित इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर जासूसी मामले में सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि फिलहाल इस मामले की तुरंत सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि देश भर के कंप्यूटरों की जासूसी का अधिकार सुरक्षा एजेंसियों को दिए जाने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में गृह मंत्रालय के इस आदेश को मौलिक अधिकारों के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध बताया गया था। वकील मनोहर लाल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि 20 दिसंबर का ये आदेश गैर कानून, मौलिक आधारों के खिलाफ और संविधान के विपरीत है। गृह मंत्रालय इस तरह ब्लैंकेट सर्वेलेंस का आदेश जारी नहीं कर सकता और इसे निजात के अधिकारों की कसौटी पर तोला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इसे आगामी आम चुनाव के मद्देनजर सरकार को फायदा पहुंचाने वाला बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने यह आदेश आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वालों, सत्ता के खिलाफ सोचने वालों को चुप करवाने के मकसद से जारी किया है। यह अघोषित इमरजेंसी है। यह आदेश आजाद देश के नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है। याचिका में गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया था कि ऐसे मामले जिसमें उम्र कैद तक की सजा और 2,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, सरकार को ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए। 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि देश के 10 प्रमुख एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर की जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए दस्तावेजों को खंगाल सकेगी। इस फैसले की वजह को देश की सुरक्षा बताया जा रहा है। फैसले के बाद से ही सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि बगैर गृह मंत्रालय के आदेश के कंप्यूटर डेटा की जासूसी नहीं होगी। नितिन गडकरी ने की नेहरू की तारीफ, कहा, मुझे वो पसंद है। क्या मोदी के खिलाफ हो गए हैं गडकरी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बुराई ना करके उनकी तारीफ करते हुए सबको चौंका दिया है। गडकरी ने नेहरू के एक बयान को याद करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहा करते थे कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ पॉपुलेशन। भारत एक देश नहीं बल्कि एक पूरी आबादी है।
गडकरी का ये बयान तब आया जब देश में बढ़ते डर के माहौल पर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इससे डर नहीं गुस्सा आता है जब एक पुलिस अधिकारी से ज्यादा सरकार एक गाय को महत्व देती है। गडकरी ने बिना नाम लिए कहा कि देश की एकता और विविधता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। शहनुत्वा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है जिसने कई देशों के पलायन करके आए लोगों को अपने यहाँ आसरा दिया है। गडकरी ने कहा कि नेहरू कहते थे, इस देश का हर व्यक्ति एक प्रश्न है, एक समस्या है। उनकी यह बात मुझे बहुत पसंद है। मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं देश के सामने समस्या नहीं रहूंगा तो भी आधे प्रश्न सुलझ जाएंगे। मेरे से किसी ने अन्याय किया होगा लेकिन मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा। बीजेपी नेता ने कहा कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए राजनीति एक माध्यम है। गडकरी का बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि बीजेपी समेत पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू को पानी पी पी कर कोसते नजर आते हैं। ऐसे में गडकरी की इस तारीफ का अपना ही सियासी मतलब है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी को मिली 5 राज्यों की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जीत के साथ साथ हार की जिम्मेदारी भी आलाकमान को लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपी को मोदी सरकार ने बनाया आरबीआई का गवर्नर। पत्रकार बोले, यह भी 70 साल में पहली बार हुआ है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई गवर्नर पद पर शक्तिकांत दास की नियुक्ति को हैरानी वाला बताते हुए उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। शनिवार 22 दिसंबर को हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के संवाद स्तर के दौरान स्वामी ने कहा, आरबीआई के नए गवर्नर अत्यधिक भ्रष्ट हैं। मैंने उन्हें वित्त मंत्रालय से हटवा दिया था। मैं शक्तिकांत दास को भ्रष्ट कह रहा हूँ। मैं हैरान हूं कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के चलते मैंने वित्त मंत्रालय से हटवा दिया था उसे आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 70 साल में पहली बार आरबीआई के किसी गवर्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा लिखते हैं कि 70 साल में पहली बार हुआ कि जब देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यह भी एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर स्वामी के सामने जब यह सवाल आया कि उनके मुताबिक आरबीआई का गवर्नर कौन होना चाहिए तो उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर आर वैद्यनाथ का नाम लिया था। स्वामी ने उन्हें संघ का पुराना व्यक्ति बताते हुए कहा कि वो हमारे आदमी हैं। शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के 10 दिन बाद शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। वो इतिहास के छात्र रहे हैं। दीप मंडल ने कहा, संजली के लिए न्याय मांगने कोई हिंदूवादी संगठन नहीं आया। एक बार फिर साबित हुआ कि दलित हिंदू नहीं होते। आगरा में जलाकर मार दी गई 15 साल की मासूम बच्ची संजली के साथ हर वो इंसान खड़ा है जिसके अंदर वास्तव में इंसानियत बाकी है, जिसके अंदर हमदर्दी बची है। लोग गुस्से में हैं और गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि यह घटना उस राज्य की है जहां के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में रामराज लाना चाहते हैं। तो क्या यही है रामराज? क्या रामराज में 15 साल की बच्ची को बीच सड़क पर जलाने का प्रावधान है? हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बनाने वाले हिंदूवादी संगठन चुनाव के वक्त दलितों को भी हिंदू बताते हैं लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो मुंह फेर लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण दलित बेटी संजली के मामले में देखने को मिला। संजली को कथित ऊंची जाति के दबंगों ने जलाकर मार डाला लेकिन अपने फायदे के लिए दलितों को हिंदू बताने वाले हिंदूवादी संगठनों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी हिंदूवादी संगठन संजली के समर्थन में सामने नहीं आया। तो क्या इससे साबित होता है कि दलितों को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हिंदू बताया जाता है? वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं, संजली के लिए न्याय मांगने के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद समेत किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन के सामने ना आने
से एक बार फिर साबित हुआ कि दलित हिंदू नहीं होते, सिर्फ दंगे और वोट के लिए इन्हें हिंदू बनाया जाता है। मंगलवार 18 दिसंबर आगरा से 20 किलोमीटर दूर लालामऊ गांव के पास दो दबंगों ने स्कूल से वापस लौट रही दसवीं में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया था। इस हैवानियत में बच्ची 75% झुलस गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि 36 घंटे तक जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।